ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। मुझे नहीं पता कि क्या नियम होते हैं, मेरे हाथ में अस्त्र नहीं है, इसलिए तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम भी अपने अस्त्र को नीचे रख दो जब तक मेरा पहिया रेत में से निकल नहीं जाता। ये अधर्म है यदि तुमने मेरे ऊपर बाण चला दिया। जब ये बात कही कि ये अधर्म है, तुम धर्म का काम नहीं कर रहे हो, तब एक बात कही थी कि कर्ण तुम धर्म की बात करते हो, तुम आज धर्म की दुहाई दे रहे हो। अरे तुम्हारा ये धर्म तब कहाँ चला गया था जब भरी सभा में एक वस्त्रा द्रौपदी को अपमानित किया गया था, क्या तुम्हें तब धर्म याद नहीं आया? तुम आज धर्म की बात कर रहे हो, तुम्हारा ये धर्म तब कहाँ चला गया था जब उस छोटे से बालक अकेले अभिमन्यु को सात सात लोगों ने अकेले घेर करके मार दिया। तुम आज धर्म की बात कर रहे हो, तुम्हारा धर्म तब कहाँ चला गया था जब छल कपट से भीम को जहर दे करके गंगा में फेंक दिया था। तुम्हारा ये धर्म तब कहाँ चला गया था जब लाख का घर बना करके पांचों पांडवों को मारने की योजना बनाई थी। ये धर्म तब कहाँ गया था? आज तक छल कपट बेईमानी से जीवन को जिया है और आज तुम धर्म की दुहाई दे रहे हो, तो ये धर्म की बात तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती। और लिखी थी बेमोल जी ने पंक्तियां, झूठे कपट छल बेईमानी से अब तक लड़ी लड़ाई, मरती बरिया करण वीर धन जात धर्म की आए, मरती बरिया करण वीर धन जात धर्म की आए। झूठ कपट छल बेईमानी से, झूठ कपट छल बेईमानी से अब तक लड़ी लड़ाई, मरती बरिया करण वीर धन जात धर्म। I'm
दिलाते हैं कि तू आज जो धर्म धर्म चिल्ला रहा है, क्या तुझे तब ये याद नहीं था जब ये सारी घटनाएं घटी थी। और योगी राज कृष्ण के इशारा करते ही अर्जुन ने अपना बाण छोड़ दिया था, और जैसे ही बाण छूटा तो कर्ण धरती पर नीचे गिर गया। इस तरह से योगी राज कृष्ण ने अपनी नीतियां लगा करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे अधर्मी लोगों का नाश किया था। यदि योगी राज कृष्ण को हम ऐसे रूप में मानते तो आज शायद हमारी स्थिति कुछ और होती। यदि ऐसे शुभ कर्मों की तरफ हम बढ़ेंगे तो जैसे आज ये लोग पूज्य हैं, हमारा जीवन भी पूज्य बनेगा, हम भी अच्छे कामों के लिए याद किए जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम जाए तो दुनिया के लोग ये कहे कि अच्छा हुआ मर गया, धरती पर बोझ था। एक व्यक्ति वो भी होते हैं जो चले जाते हैं तो हर लोगों के आंखों से पानी निकलता है, कितना अच्छा व्यक्ति था, किसी का बुरा नहीं करता था, अरे इतना जल्दी कैसे चला गया। और एक वो भी व्यक्ति होते जब चले जाए तो लोगों के मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि अच्छा हुआ चला गया, धरती पर बोझता कुछ नहीं करता था। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें अपना जीवन कैसा बिताना है। आपने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से मुझे सुना है, आप सबका।